हेलो फ्रेंड्स, GSM हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ सैमसंग फ़ोन में सिर्फ मूड का जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मूड दो तरीके के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में प्रॉब्लम तब होता है जब वॉल्यूम की, कोई भी वॉल्यूम की ख़राब होती है तब फ़ोन सेफ मूड में चला जाता है। और सॉफ्टवेयर में जब आप फ़ोन रिस्टार्ट करेंगे सेफ मोड प्रॉब्लम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है वो हार्ड रिसेट से प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो देख सकते हैं ये सैमसंग मॉडल नंबर है M31, सैमसंग गैलेक्सी M31 मॉडल नंबर है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है मैंने हार्ड रिसेट से सॉल्व किया है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया है। ध्यान रखना है ये मेथड से डेटा पूरा चला जाएगा, जो भी फ़ोन में फ़ोटो वीडियो फाइल्स है सब वो डिलीट हो जाएगी। तो पहले आपको बैकअप ले लेना है, उसके बाद ये मेथड को ट्राई करना है। फ़ोन स्टार्टेड इन सेफ मोड, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। फोन वाइब्रेट होगा, फिर अप डाउन सेफ मोड अप डाउन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ़ोन को रीसेट करके हम ट्राई करेंगे। उसके लिए आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दबाना है, और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन से इरेज ऐप डेटा पे क्लिक करके पावर बटन दबाना है। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, वरना हम रिकवरी से फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन रिबूट हो गया है। अब चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम सेम है। अब रिकवरी फैक्ट्री रीसेट करना है तो USB केबल आपको लगाना पड़ेगा, और वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों साथ में दबाना पड़ेगा। वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन दबाना है। पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप बटन दबाए रखना है। दोनों की आप एक साथ दबाए रखेंगे तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी मेनू आ गया है। जब USB केबल लगाया तब रिकवरी मेनू आ गया। तो वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट पे सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है, और वॉल्यूम डाउन से फैक्ट्री डेटा रिसेट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। ध्यान रखना है ये मेथड से डेटा पूरा चला जाएगा, जो भी फ़ोन में फ़ोटो वीडियो फाइल्स है सब वो डिलीट हो जाएगी। तो पहले आपको बैकअप ले लेना है, उसके बाद ये मेथड को ट्राई करना है। अब फ़ोन चालू होने में, नॉर्मल चालू होने में 15 से 20 मिनट लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।